तो यार क्या हाल है एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा था तो आप जानते हैं कि हम लोग चला रहे हैं एक ब्रांड न्यू सीरीज इस पूरे हफ्ते, जिसका नाम है वीडियो क्रिएशन ऑन यूट्यूब फॉर बिगिनर्स। और कल के वीडियो में हमने बात की थी कि आपको कैसे बात करना चाहिए कैमरे के सामने, कौन से टिप्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो एक बार जाके ज़रूर देख लेना। और आज के इस टेक मंगलवार के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको कैसे अपने कंटेंट को स्ट्रक्चर करना चाहिए, कौन कौन से मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर इसको लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो। स्वागत है आप सबका आई एम डिजिटल योर्स यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं डीडी आपका यार, और ये है टेक मंगलवार। ओके, ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये है स्ट्रक्चरिंग योर कंटेंट। अब मैं समझता हूँ कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, काफ़ी लोग जो हैं रिव्यूज़ लिखते हैं, और अलग अलग इंडस्ट्री से आप सब हैं। तो ऑब्वियसली कंटेंट के बारे में मैं ज़्यादा आपको बोलूँगा नहीं आपके कंटेंट के बारे में, बिकॉज आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं उसमें। लेकिन जो मैं फिलॉसफी फॉलो करता हूँ वो है कि कंटेंट जो है वो आपकी स्टोरी है, आपको उसको एक स्टोरी की तरह बोलना है। अगर आप किसी 4 साल के 5 साल के बच्चे को बोल रहे हैं तो आपको उसको उस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है, उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए जो एक 5 साल के बच्चे को या एक अननोन व्यक्ति को अगर आप बोल रहे हैं तो उसको इंटरेस्ट होना चाहिए कि भाई ये क्या बोल रहा है, एक बार सुनते हैं या इसका वीडियो क्या है, राइट। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर जो मैं फॉलो करता हूँ वो है, दिस इज़ द 3-पॉइंट स्ट्रक्चर। ये है प्रेमाइस, कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन। तो प्रेमाइस वो हो गया कि आप अपने वीडियो के द्वारा ये बता रहे हैं कि इस वीडियो का प्रेमाइस क्या है, इसका बेस क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने चैनल पे बता रहा हूँ 5 सीरीज शॉर्टकट्स, हाँ, तो मैं बोलूँगा कि मैंने एक प्रेमाइस क्रिएट कर लिया कि आज मैं आपको बताऊँगा 5 सीरीज शॉर्टकट्स या 1 सीरीज शॉर्टकट ऐसा वाला बताऊँगा जो आपको एक कॉन्फ्लिक्ट को डील करने में हेल्प करेगा, एक प्रॉब्लम को डील करने में हेल्प करेगा। अब वो हो सकता है कि एक शॉर्टकट हो सकता है आईफोन पे, जिसको प्रेस करके आप अपने दोस्तों को ऑटोमेटिकली बर्थडे विशेस भेज सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट है जो लोग हर रोज़ फेस करते हैं, हर साल फेस करते हैं, जिनके भी बर्थडे जो हैं वो फेसबुक पे नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे लोग जो हैं फेसबुक में देख के ही बर्थडे को विश करते हैं। एनीवे, तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए ये एक कॉन्फ्लिक्ट है लोगों के लिए, तो इसको हम ठीक कर सकते हैं बाय द रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन जो होना चाहिए वो एग्जैक्टली आपके कॉन्फ्लिक्ट के ऑपोजिट होना चाहिए, उसको आंसर करना चाहिए। अगर आप इन प्रेमाइस को या इस प्रेमाइस को रख के अपना कंटेंट बनाएं, या इन 3 पॉइंट्स को रख के अपना कंटेंट बनाएं, तो आप कभी भी फॉल्टर नहीं करेंगे अपने कंटेंट में। और एक और चीज़ है जो मैंने अभी मेरे दिमाग में आई है, मैंने स्लाइड पर नहीं रखा था, वो है कि मैं जनरली अपने कंटेंट को 5 W's में डिवाइड कर देता हूँ, और ये भी मेरा जो कॉर्पोरेट वाला एक्सपीरियंस है वहीं से मैं लेके आ रहा हूँ। तो 5 W's क्या है? वॉट, वाई, वेयर, वेन और हाउ। तो इन 5ों का अगर आप आंसर देंगे किसी भी कंटेंट में तो आपका कंटेंट सही तरीके से बनेगा और सारे सवालों के जवाब जो हैं आपके व्यूअर को मिलेंगे, राइट। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है भैया कि आपका जो कंटेंट है, आप कितना भी इंफॉर्मेटिव बना लीजिए, एंटरटेनिंग नहीं रहेगा या एंगेजिंग नहीं रहेगा तो कोई भी नहीं देखेगा, ठीक है। तो आप अगर आप अच्छा बोलते हैं या आप अच्छा जोक्स क्रैक करते हैं या आप किसी भी तरीके से एंटरटेन कर सकते हैं लोगों को, तो आप करिए। एंटरटेनिंग का मतलब ये नहीं कि आप नाच गाना शुरू कर दें, इट्स अ वे यू टॉक विद द पीपल, राइट। सो उसके हिसाब से आपको एक रिश्ता बनाना है उनके साथ, एक कनेक्ट बनाना है अपने ऑडियंस के साथ। तो वो जो है, आप जितना अपने कंटेंट पे काम करेंगे, जितना आप उसको प्रिपेयर करेंगे वो आएगा, लेकिन एंटरटेनमेंट और एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कंटेंट पे। तो यार ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताना कमेंट्स में। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दो और घंटी दबा दो। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मैं आपसे मिलने आऊँगा कल, जिसमें हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे स्किल्स के बारे में जिन्हें आपको सीखना चाहिए। तो उस वीडियो को मिस मत करना। तब तक के लिए अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।